डिजिटल मार्केटिंग का परिचय और उदाहरण। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां इंटरनेट और अन्य डिजिटल चैनलों का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कई अलग अलग तरीके हैं जिनमें शामिल हैं। हेलो एवरीवन, आई एम दुर्लाव साकिया। आई ब्रिंग 6 years ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हैविंग वर्कड एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर बोथ डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी कंपनीज। डिजिटल मार्केटिंग का परिचय और उदाहरण। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां इंटरनेट और अन्य डिजिटल चैनलों का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कई अलग अलग तरीके हैं जिनमें शामिल हैं। तारांकन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सीओ। सीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को खोज इंजनों में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए अनुकूलित करते हैं। तारांकन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने व्यवसाय के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। तारांकन, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने ग्राहकों को ईमेल भेजकर उनसे संपर्क करते हैं। तारांकन, पात्रता आधारित मार्केटिंग। पात्रता आधारित मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप उन लोगों को लक्षित करते हैं जो आपके उत्पादों या सेवाओं के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं। तारांकन, प्रदर्शन आधारित मार्केटिंग। प्रदर्शन आधारित मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विज्ञापनों के लिए भुगतान करते हैं केवल तभी जब लोग उन पर क्लिक करते हैं या उन पर कार्रवाई करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कई उदाहरण हैं जैसे तारांकन, एक कंपनी अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ब्लॉग शुरू करती है। तारांकन, एक कंपनी अपने सोशल मीडिया फीड में अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पोस्ट करती है। तारांकन, एक कंपनी अपने ग्राहकों को ईमेल भेजती है जिसमें नए उत्पादों की घोषणा, छूट और अन्य ऑफर शामिल हैं। तारांकन, एक कंपनी अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गूगल एडवर्ड्स पर विज्ञापन देती है। तारांकन, एक कंपनी अपनी वेबसाइट को बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए सीओ का उपयोग करती है। डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को लाखों लोगों तक पहुंचा सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करना एक अच्छा विचार है। डिजिटल मार्केटिंग के कई अलग अलग तरीके हैं, इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक रणनीति विकसित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया **. आर्टिकल इन हिंदी **. भारत में डिजिटल मार्केटिंग का तेजी से विकास हो रहा है क्योंकि अधिक से अधिक व्यवसाय एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति रखने के महत्व को समझ रहे हैं। भारत में कई अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां और एजेंसियां हैं जो सभी आकार के व्यवसायों को प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग अभियान विकसित करने और कार्यान्वित करने में मदद कर सकती हैं। भारत में डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। बड़े दर्शकों तक पहुँचें,
भारत में 1.3 बिलियन से अधिक लोग हैं और उनमें से एक बड़ी और बढ़ती संख्या इंटरनेट का उपयोग कर रही है। यह व्यवसायों को अपने डिजिटल मार्केटिंग अभियानों के साथ बड़े दर्शकों तक पहुंचने का अवसर देता है। एस्टरिस्क, अपने दर्शकों को लक्षित करें। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायों को अपने दर्शकों को बहुत विशिष्ट रूप से लक्षित करने की अनुमति देता है। यह इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अपने लक्षित दर्शकों के बारे में डेटा एकत्र कर सकते हैं, जैसे कि उनकी रुचियां, जनसांख्यिकी और ऑनलाइन व्यवहार। हेलो एवरीवन, आई एम दुर्लभ साकिया। आई ब्रिंग 6 years ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हैविंग वर्क्ड एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर बोथ डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी कंपनीज। डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया **, आर्टिकल इन हिंदी **. भारत में डिजिटल मार्केटिंग का तेजी से विकास हो रहा है क्योंकि अधिक से अधिक व्यवसाय एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति रखने के महत्व को समझ रहे हैं। भारत में कई अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां और एजेंसियां हैं जो सभी आकार के व्यवसायों को प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग अभियान विकसित करने और कार्यान्वित करने में मदद कर सकती हैं। भारत में डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। एस्टरिस्क, बड़े दर्शकों तक पहुंचें। भारत में 1.3 बिलियन से अधिक लोग हैं और उनमें से एक बड़ी और बढ़ती संख्या इंटरनेट का उपयोग कर रही है। यह व्यवसायों को अपने डिजिटल मार्केटिंग अभियानों के साथ बड़े दर्शकों तक पहुंचने का अवसर देता है। एस्टरिस्क, अपने दर्शकों को लक्षित करें। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायों को अपने दर्शकों को बहुत विशिष्ट रूप से लक्षित करने की अनुमति देता है। यह इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अपने लक्षित दर्शकों के बारे में डेटा एकत्र कर सकते हैं, जैसे कि उनकी रुचियां, जनसांख्यिकी और ऑनलाइन व्यवहार। इस डेटा का उपयोग तब लक्षित विज्ञापन और सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है। एस्टरिस्क, अपने परिणामों को मापें। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक बहुत ही मापने योग्य रूप है। इसका मतलब है कि व्यवसाय अपने अभियानों के परिणामों को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इस जानकारी का उपयोग भविष्य के अभियानों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि आप भारत में एक व्यवसाय के मालिक हैं, तो आपको अपने उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। भारत में कई अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां और एजेंसियां हैं जो आपको प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग अभियान विकसित करने और कार्यान्वित करने में मदद कर सकती हैं। **, टाइटल टैग्स कीवर्ड्स **, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। **, डिस्क्रिप्शन **, डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स टू प्रमोट और मार्केट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। It includes a wide range of activities, such as search engine optimization, SEO, social media marketing, content marketing, email marketing, and paid advertising. Digital marketing is a rapidly growing field in India, as more and more businesses are realizing the importance of having a strong online presence. There are many different digital marketing companies and agencies in India that can help businesses of all sizes to develop and implement effective digital marketing campaigns. Here are some of the benefits of using digital marketing in India. **, reach a large audience. **, India has over 1.3 billion people, and a large and growing number of them are using the internet. This gives businesses the opportunity to reach a large audience with their digital marketing campaigns. **, target your audience. **, digital marketing allows businesses to target their audience very specifically. This is because businesses can collect data about their target audience, such as their interests, demographics, and online behavior. This data can then be used to create targeted ads and content. **, measure your results. **, digital marketing is a very measurable form of marketing. This means that businesses can track the results of their campaigns and see what is working and what is not. This information can then be used to improve future campaigns. If you are a business owner in India, then you should consider using digital marketing to promote your products or services. There are many different digital marketing companies and agencies in India that can help you to develop and implement effective digital marketing campaigns. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा।
मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। दुबई में डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एक संपूर्ण गाइड। दुबई एक वैश्विक व्यवसाय और नवाचार का केंद्र है और यह डिजिटल मार्केटिंग में नौकरी खोजने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। शहर में स्टार्टअप से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक की एक विस्तृत श्रृंखला के व्यवसाय हैं, जो सभी प्रतिभाशाली डिजिटल मार्केटर्स की तलाश में हैं। यदि आप दुबई में डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी में रुचि रखते हैं तो आपको कुछ बातों को जानना होगा। हेलो एवरीवन, आई एम दुर्लभ साकिया। आई ब्रिंग 6 years ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हैविंग वर्कड एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर बोथ डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी कंपनीज। दुबई में डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एक संपूर्ण गाइड। दुबई एक वैश्विक व्यवसाय और नवाचार का केंद्र है और यह डिजिटल मार्केटिंग में नौकरी खोजने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। शहर में स्टार्टअप से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक की एक विस्तृत श्रृंखला के व्यवसाय हैं, जो सभी प्रतिभाशाली डिजिटल मार्केटर्स की तलाश में हैं। यदि आप दुबई में डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी में रुचि रखते हैं तो आपको कुछ बातों को जानना होगा। सबसे पहले आपको सही कौशल और अनुभव होना चाहिए। अधिकांश डिजिटल मार्केटिंग नौकरियों के लिए कम से कम संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि विपणन, संचार या कंप्यूटर विज्ञान। आपको डिजिटल मार्केटिंग टूल्स और प्लेटफॉर्म जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और सोशल मीडिया के साथ भी अनुभव होना चाहिए। दूसरा, आपको दुबई में प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार के लिए तैयार रहना होगा। शहर में नौकरी की तलाश में कई योग्य डिजिटल मार्केटर्स हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपका रिज्यूमे और कवर लेटर भीड़ से अलग दिखे। अपने कौशल और अनुभव को उजागर करना सुनिश्चित करें और समझाएं कि आप उस कंपनी के लिए एक अच्छा फिट क्यों हैं जिसे आप आवेदन कर रहे हैं। अंत में, आपको दुबई में रहने की उच्च लागत के लिए तैयार रहना होगा। दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप नौकरी स्वीकार करने से पहले वहां रह सकते हैं। यहाँ दुबई में सबसे अधिक मांग वाली कुछ डिजिटल मार्केटिंग नौकरियां दी गई हैं। तारांकन, सामग्री विपणन विशेषज्ञ। सामग्री विपणन विशेषज्ञ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बनाते हैं और वितरित करते हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित और संलग्न किया जा सके। तारांकन, सोशल मीडिया प्रबंधक। सोशल मीडिया प्रबंधक अपने कंपनी के ब्रांड और उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया सामग्री बनाते और प्रबंधित करते हैं। तारांकन, खोज इंजन अनुकूलन सीओ विशेषज्ञ। सीओ विशेषज्ञ वेबसाइटों और सामग्री को खोज परिणाम पृष्ठों SERPs में उच्च स्थान पर लाने के लिए अनुकूलित करते हैं। तारांकन, पेपर क्लिक PPC विशेषज्ञ। PPC विशेषज्ञ अपने कंपनी की वेबसाइट पर ट्रैफिक चलाने के लिए PPC अभियान बनाते और प्रबंधित करते हैं। तारांकन, वेब विश्लेषक। वेब विश्लेषक डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं ताकि किसी कंपनी की वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग अभियानों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जा सके। यदि आप दुबई में डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी में रुचि रखते हैं तो यहाँ कुछ संसाधन दिए गए हैं जिनका उपयोग आप एक ढूंढने के लिए कर सकते हैं। आप इंडीड, गुल्फ टैलेंट और Bait.com जैसी वेबसाइटों पर ऑनलाइन नौकरियों की खोज कर सकते हैं। आप नौकरी मेलों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी खोजने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तारांकन, क्षेत्र में लोगों के साथ नेटवर्क करें। उद्योग कार्यक्रमों में भाग लें और LinkedIn पर लोगों से जुड़ें।
तारांकन एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट हैं और आपके कौशल और अनुभव को दर्शाती हैं। तारांकन प्रत्येक नौकरी के लिए अपने रिज्यूमे और कवर लेटर को अनुकूलित करें। उन कौशल और अनुभव पर प्रकाश डालें जो विशिष्ट नौकरी के लिए प्रासंगिक हैं। सही कौशल और अनुभव के साथ आप दुबई में एक पुरस्कृत डिजिटल मार्केटिंग नौकरी पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Therefore, I can't provide you with the current list of the top 50 digital marketing companies in India. However, I can suggest some well-known digital marketing agencies that were prominent at that time. Please verify their current rankings and status by conducting online research. Business inquiry now. +91 9864855058. Hello everyone, I'm Durlav Sakia. I bring 6 years of expertise in the field of digital marketing, having worked as a professional digital marketing expert for both digital marketing and IT companies. I don't have access to real-time data, and my knowledge is based on information available up to September 2021. Therefore, I can't provide you with the current list of the top 50 digital marketing companies in India. However, I can suggest some well-known digital marketing agencies that were prominent at that time. Please verify their current rankings and status by conducting online research. Business inquiry now. +91 9864855058. +91 9864170343. 1. WebChutney. 2. WhatConsult. 3. iProspect India. 4. Performix India. 5. Foxymoron. 6. SocialBeat. 7. BC WebWise. 8. Pinstorm. 9. Mirum India. 10. Ethinos Digital Marketing. 11. Interactive Avenues. 12. Resultrix. 13. Gozoop. 14. AdSyndicate. 15. Langur. 16. Indigo Consulting. 17. AdGlobal 360. 18. Blogworks. 19. TechShoe. 20. Blink Digital. 21. Rep India. 22. Dentsu WebChutney. 23. WhatConsult. 24. AdLift. 25. WhatConsult. 26. ShootIDA. 27. Performix, Convonix. 28. InnoServe Digital. 29. Windchimes Communications. 30. Ignite Digital Services. 31. Foxymoron. 32. Everimedia. 33. Gozoop. 34. Fruit Bowl Digital. 35. WhatConsult. 36. Resultrix. 37. The Minimalist. 38. iGenero. 39. Tech Magnate. 40. O3MDM. 41. Ethinos Digital Marketing. 42. White Rivers Media. 43. Social Beat. 44. AdSyndicate. 45. Postbox Communications. 46. Tonic Media. 47. LIQVD Asia. 48. Malinlaw Lintas Groups Linteractive. 49. BuzzValve. 50. Fruit Bowl Digital.
Please keep in mind that the digital marketing industry is dynamic, and rankings can change over time as new agencies emerge and existing ones evolve. It's a good idea to research the most current information when looking for the top digital marketing companies in India. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स हिंदी में, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स इन हिंदी। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार और प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया है। डिजिटल मार्केटिंग में कई अलग अलग चैनल शामिल हैं, जैसे कि खोज इंजन विपणन, सेम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सामग्री विपणन, ईमेल विपणन और वीडियो विपणन। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स हिंदी में सीखने के लिए आप निम्नलिखित टॉपिक कवर कर सकते हैं। Hello everyone, I'm Durlav Sakia. I bring 6 years of expertise in the field of digital marketing, having worked as a professional digital marketing expert for both digital marketing and IT companies. Digital marketing ka pura course Hindi mein. Digital marketing full course in Hindi. Digital marketing online aur internet ke madhyam se kisi utpad ya seva ka prachar aur protsahan karne ki prakriya hai. Digital marketing mein kai alag alag channel shamil hain, जैसे कि खोज इंजन विपणन, सेम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सामग्री विपणन, ईमेल विपणन और वीडियो विपणन। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स हिंदी में सीखने के लिए आप निम्नलिखित टॉपिक कवर कर सकते हैं। तारांकन, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और यह कैसे काम करता है। तारांकन, खोज इंजन विपणन, सेम का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय की वेबसाइट को खोज इंजन परिणाम पृष्ठों SERPs में उच्च रैंक करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। सामग्री विपणन का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी पूर्ण और मनोरंजक सामग्री बनाकर और साझा करके अपने लक्षित दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। ईमेल विपणन का उपयोग करके आप अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। वीडियो विपणन का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय की कहानी को बताने और अपने उत्पादों या सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रभावशाली वीडियो बना और साझा कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स हिंदी में सीखने के लिए आप कई ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कई मुफ्त और सशुल्क पाठ्यक्रमों और वीडियो ट्यूटोरियल पा सकते हैं। ऑफलाइन
आप कई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों और प्रशिक्षण प्रदाताओं से कोर्स ले सकते हैं। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक पूरा कोर्स हिंदी में सीखना एक अच्छा विकल्प है। यह आपको डिजिटल मार्केटिंग के सभी पहलुओं को समझने और अपने कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। यहाँ कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हिंदी में हैं जो आप देख सकते हैं। तारांकन तारांकन ग्रेट लर्निंग एकेडमी तारांकन, तारांकन तारांकन उद्यमी तारांकन, तारांकन तारांकन कौसरा तारांकन, तारांकन तारांकन एडुरेका तारांकन, तारांकन तारांकन स्किलशेयर तारांकन। इन कोर्सों में से अधिकांश कोर्स मुफ्त या सशुल्क हैं। आप अपनी आवश्यकताओं और बजट के आधार पर सबसे अच्छा कोर्स चुन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स हिंदी में सीखना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही फायदेमंद निवेश हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कौशल के साथ आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। डिजिटल मार्केटिंग से हर महीने 1 लाख कमाने का विचार। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यदि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी विशेषज्ञता है तो आप हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं। यहाँ कुछ डिजिटल मार्केटिंग के विचार दिए गए हैं जिनसे आप हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम दुर्लभ सैकिया। आई ब्रिंग 6 years ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, having worked as a professional digital marketing expert for both digital marketing and IT companies. Digital marketing se har mahine 1 lakh kamane ka vichar. Digital marketing ek aisa kshetra hai jisme bahut paisa kamaya ja sakta hai. Yadi aapke paas digital marketing mein achhi visheshagyata hai, to aap har mahine 1 lakh rupaye se adhik kama sakte hain. Yahan kuch digital marketing ke vichar diye gaye hain jinse aap har mahine 1 lakh rupaye se adhik kama sakte hain. तारांकन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को खोज इंजनों में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए अनुकूलित करते हैं। SEO एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट से बहुत अधिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। आप SEO सेवाओं को छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तारांकन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी कंपनी के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सेवाओं को छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तारांकन ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने ग्राहकों को ईमेल भेजकर उनसे संपर्क करते हैं। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाने और उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। आप ईमेल मार्केटिंग सेवाओं को छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत विक्रेताओं को बेच सकते हैं। तारांकन पात्रता आधारित मार्केटिंग।
पात्रता आधारित मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप उन लोगों को लक्षित करते हैं जो आपके उत्पादों या सेवाओं के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं। आप पात्रता आधारित मार्केटिंग सेवाओं को विज्ञापन एजेंसियों और अन्य व्यवसायों को बेच सकते हैं। तारांकन प्रदर्शन आधारित मार्केटिंग। प्रदर्शन आधारित मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विज्ञापनों के लिए भुगतान करते हैं केवल तभी जब लोग उन पर क्लिक करते हैं या उन पर कार्रवाई करते हैं। प्रदर्शन आधारित मार्केटिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। आप प्रदर्शन आधारित मार्केटिंग सेवाओं को विज्ञापन एजेंसियों और अन्य व्यवसायों को बेच सकते हैं। यदि आप इन डिजिटल मार्केटिंग के विचारों को सही तरीके से लागू करते हैं तो आप हर महीने 1,00,000 रुपये से अधिक कमा सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दिए गए हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग से अधिक पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। तारांकन विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करें। एक विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। इससे आप अपने कौशल और अनुभव का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। तारांकन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बनाएं। अपने ग्राहकों को मूल्यवान जानकारी और सामग्री प्रदान करें। इससे वे आपके साथ काम करना जारी रखेंगे और आपको अपनी सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करेंगे। तारांकन अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करें। समय पर और बजट के भीतर उनके लिए काम करें। उनकी आवश्यकताओं को समझें और उन्हें अपनी सेवाओं से खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करें। तारांकन अपने मार्केटिंग प्रयासों को मापें। यह देखें कि आपके विज्ञापन, ईमेल अभियान और अन्य मार्केटिंग प्रयास कितने प्रभावी हैं। इससे आप अपने मार्केटिंग प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यदि आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Top 10 Problems for Digital Marketing Agencies is a list of the top 10, and Top 10 Problems for Digital Marketing Agencies is a list of the top 10. ये चुनौतियाँ एजेंसी के आकार और क्षेत्र से लेकर बाजार की स्थिति और ग्राहक की अपेक्षाओं तक कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के शीर्ष 10 मुद्दों का एक अवलोकन है। Hello everyone, I'm Durlav Sakia. I bring 6 years of expertise in the field of digital marketing, having worked as a professional digital marketing expert for both digital marketing and IT companies. Top 10 Problems for Digital Marketing Agencies is a list of the top 10, and Top 10 Problems for Digital Marketing Agencies is a list of the top 10. ये चुनौतियाँ एजेंसी के आकार और क्षेत्र से लेकर बाजार की स्थिति और ग्राहक की अपेक्षाओं तक कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के शीर्ष 10 मुद्दों का एक अवलोकन है। 1. प्रतिस्पर्धा। डिजिटल मार्केटिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। हर दिन नई एजेंसियां उभर रही हैं और मौजूदा एजेंसियां नए तरीकों के साथ प्रयोग कर रही हैं। इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में खड़े रहना और ग्राहकों को आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती है। 2. ग्राहक की अपेक्षाएं। ग्राहकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग अत्यधिक प्रभावी हो और उन्हें तेजी से परिणाम दिखाए।
यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे हमेशा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3. निरंतर बदलते प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लगातार बदल रहे हैं। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें इन प्लेटफॉर्मों के साथ कैसे काम करना है, इस पर पूरी तरह से अपडेट रहना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे ग्राहकों को खोने का जोखिम उठाते हैं। 4. डेटा सुरक्षा। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखें और इसे किसी भी तरह से दुरुपयोग न करें। 5. मार्केटिंग बजट। कई ग्राहक सीमित मार्केटिंग बजट के साथ काम करते हैं। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें ग्राहकों के बजट के भीतर काम करना होगा और उन्हें प्रभावी परिणाम दिखाने होंगे। 6. मार्केटिंग टीम। एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास एक कुशल मार्केटिंग टीम होनी चाहिए। यह टीम मार्केटिंग के सभी पहलुओं में अच्छी तरह से जानकार होनी चाहिए और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होनी चाहिए। 7. मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और इसे कुशलता से उपयोग कर रहे हैं। 8. मार्केटिंग रणनीति। एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास एक स्पष्ट मार्केटिंग रणनीति होनी चाहिए। यह रणनीति ग्राहक के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। 9. मार्केटिंग परिणामों का मापन। मार्केटिंग के परिणामों को मापना एक महत्वपूर्ण कार्य है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने मार्केटिंग अभियानों के परिणामों को प्रभावी ढंग से माप रहे हैं। 10. मार्केटिंग रिपोर्टिंग। मार्केटिंग रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों को समय पर और प्रभावी ढंग से मार्केटिंग रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के शीर्ष 10 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को समझना और उनसे निपटने के लिए कदम उठाना एजेंसियों के लिए सफलता की कुंजी है। अंत में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो एजेंसियां इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं, वे उद्योग में सफल हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। ग्लोबल मार्केटिंग फोकस। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया। बिजनेस इंक्वायरी नाउ +91 9864855058 +91 9864170343 WhatsApp number. 1. New York City, Financial Sector, Financial Consulting Sector Act. 2. Boston City, Admission, Education, EdTeach and E-Learning Sector, Tech Farm, BFSI. 3. Washington, Real Estate Buying, Selling and Rental Sector. 4. Chicago, Renting, Buying, Selling, Real Estate, Brokerage, Real Estate Mortgage, Financial Services, Manufacturing, Chemical, Energy Act. 5. Detroit, Automobile, Automobile Manufacturing and Rental. 6. Houston City, Energy, Crude Petroleum, Natural Gas, B2B Construction. 7. San Francisco City, USA, California, Palo Alto Bay Area, San Francisco.
This is city must demand for tech sector of the plan. Smiling face with hearts note, experience only teach field. I'm perfect. Right arrow target, SaaS, IT sector, innovation, programming, coding. 8 Las Vegas, vacation planner, sports, luxury leisure, travel and tourism, gaming. 9 Los Angeles, wealthiest neighborhood. Real estate management, real estate rental and sales. 10 Seattle, manufacturing. //. Funnily note, business target use Google AdWords, Facebook Ads Manager. Create a professional 90 second video. Hello everyone, I'm Durlav Sakia. I bring 6 years of expertise in the field of digital marketing, having worked as a professional digital marketing expert for both digital marketing and IT companies. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस, अंतिम तकनीक और ट्रेंडिंग खोज। ऑनलाइन मार्केटिंग एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और नए प्लेटफॉर्म और तकनीकें लगातार सामने आ रही हैं। यदि आप अपने व्यवसाय के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप नवीनतम रुझानों और प्लेटफॉर्मों से अवगत रहें। इस लेख में हम अंतिम तकनीक और ट्रेंडिंग खोजों के साथ कुछ शीर्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस पर चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम दुर्लभ साकिया। आई ब्रिंग 6 years ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, having worked as a professional digital marketing expert for both digital marketing and IT companies. Online marketing places, antim technique aur trending khoj. Online marketing ek badhta hua kshetra hai aur naye platform aur technique lagatar samne aa rahi hain. Yadi aap apne vyavsay ke liye online marketing karna chahte hain, to yah mahatvapurn hai ki aap navintam rujhanon aur platformon se avgat rahein. इस लेख में हम अंतिम तकनीक और ट्रेंडिंग खोजों के साथ कुछ शीर्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस पर चर्चा करेंगे। शीर्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस। तारांकन, तारांकन गूगल एड्स। तारांकन, तारांकन गूगल एड्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यह आपको गूगल खोज परिणाम पृष्ठों, SERPs और अन्य गूगल स्वामित्व वाली वेबसाइटों पर अपने विज्ञापन दिखाने देता है। गूगल एड्स एक पे पर क्लिक PPC मॉडल पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि आप केवल तभी भुगतान करते हैं जब कोई उपयोगकर्ता आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है। तारांकन, तारांकन फेसबुक एड्स। तारांकन, तारांकन फेसबुक एड्स दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यह व्यवसायों के लिए अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है। फेसबुक एड्स आपको अपने विज्ञापन फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य फेसबुक स्वामित्व वाली वेबसाइटों पर दिखाने देता है। फेसबुक एड्स भी एक PPC मॉडल पर काम करता है। तारांकन, तारांकन Amazon Advertising। तारांकन, तारांकन Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है और Amazon Advertising आपको अपने उत्पादों को Amazon पर बढ़ावा देने देता है। Amazon Advertising विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रारूप प्रदान करता है, जिनमें प्रायोजित उत्पाद, प्रायोजित ब्रांड और प्रायोजित डिस्प्ले शामिल हैं। Amazon Advertising एक PPC मॉडल पर भी काम करता है। अंतिम तकनीक और ट्रेंडिंग खोज। हाई संचालित मार्केटिंग।
हाय, संचालित मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग का भविष्य है। आई का उपयोग मार्केटर्स को अपने दर्शकों को बेहतर ढंग से समझने, अधिक लक्षित विज्ञापन बनाने और अपने अभियानों को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग के सबसे प्रभावी रूपों में से एक है। वीडियो दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें आपके उत्पादों या सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने और अपने लक्षित दर्शकों से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। सोशल मीडिया आपको अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में सामग्री साझा करने, अपने ग्राहकों से जुड़ने और अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अनुमति देता है। ट्रेंडिंग खोज शब्द। जब आप किसी ऑनलाइन मार्केटिंग अभियान की योजना बना रहे हों, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उन कीवर्ड्स का उपयोग करें जो आपके लक्षित दर्शक खोज रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स जैसे टूल का उपयोग करके ट्रेंडिंग खोज शब्दों को खोजने में आपकी मदद कर सकता है। निष्कर्ष। ऑनलाइन मार्केटिंग एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और नए प्लेटफॉर्म और तकनीकें लगातार सामने आ रही हैं। यदि आप अपने व्यवसाय के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप नवीनतम रुझानों और प्लेटफॉर्मों से अवगत रहें। इस लेख में हमने अंतिम तकनीक और ट्रेंडिंग खोजों के साथ कुछ शीर्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस पर चर्चा की। यदि आप अपने व्यवसाय के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो इन प्लेटफॉर्मों पर विचार करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।